आप सभी का हमारे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनोज शर्मा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग फैकल्टी, आप सभी का पुनः अपने ऑफिशियली यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारा एक कर दिया गया टेस्ट कॉमन, क्या सीईटी कॉमन इजिबिलिटी टेस्ट, जो कि हमारा पहले प्री एग्जाम्स होता था, अब वो नहीं होगा। दोस्तों क्या होगा? सीईटी। इसकी फुल इंफॉर्मेशन मैं दूंगा एक वीडियो में कि कितने साल के लिए है, कौन कौन से एग्जाम्स के लिए है, इसका टेंडर क्या है, किस तरीका से इसका सिलेबस होगा, किस पैटर्न पर इसका एग्जाम्स होगा। अभी सिलेबस भी आने वाला है कुछ ही, मतलब अभी हमारे पास सिलेबस इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन किस आधार पर चीजें होंगी मैं इसका एक वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए फुल सीईटी पर। दोस्तों तो मैं जैसा कि बात कर रहा था, किस पर दोस्तों? अल्फाबेट्स पर। अल्फाबेट्स में मैंने आपको अल्फाबेट्स याद कराए, सेकेंड नंबर मैंने अपोजिट्स आपको याद कराए, ये मैंने सभी चीजें आपको दोस्तों याद कराई। फिर उसके बाद मैं आपके लिए प्रीवियस पेपर क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, अभी टाइप वाइज रह गए, टाइप फर्स्ट के ही मैंने क्वेश्चन कराए, टाइप टू लूंगा उसकी अलग सीरीज चलती रहेगी दोस्तों। किसकी? अल्फाबेट्स की, वो टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री, लेकिन ये प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है स्पेशल फॉर डीपी एंड यूपीएसआई, ध्यान देना। आपके स्टार्ट करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो कि अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। देखो ध्यान देना दोस्तों, मेरे भाइयों, नहीं बनाया जा सकता है, इसका मतलब एक मैं बात करूं कि ये एक कोई क्या है मेरे भाइयों, ये है एक शब्द, ये अल्फाबेट्स है, इनसे कौन सा अल्फाबेट्स नहीं बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से ऐसा कोई, इन चारों ऑप्शनों में से ऐसा अल्फाबेट्स होगा जो इसके अंडर नहीं होगा, जो इसमें नहीं होगा मेरे भाई, जब ही तो होगा ना। मैं कहूं कि भाई देखो, जो इनसे शब्द है ये अल्फाबेट्स है, यदि ये वाले मेरे यहां पर डिक्टो मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं उसको तो बना सकता हूं, लेकिन इनमें से जो अल्फाबेट्स नहीं इन चारों में, तो इसका मतलब मैं उसको नहीं बना सकता। तो ध्यान देना दोस्तों, एस टी ए आर, एस बी है, टी बी है, ए बी है और आर बी है, इसका मतलब इसको बनाया जा सकता है। सी ए कहीं पी दिखाई दे रहा है, नहीं, तो इसको नहीं बनाया जा सकता है। आर ए एन डी है, इसको बनाया जा सकता है। बी आर ओ ए डी, इसको भी बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो कि नहीं बनाया जा सकता। दोस्तों बात समझ में आई, क्योंकि इसने कहा कि कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, वो शब्द नहीं बनाया जा सकता है कि जो कि इसमें से क्या ना हो दोस्तों, इसका अल्फाबेट्स का यूज ना हो, जो इसमें दे रखा है। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई? बताइए मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है देखो, ध्यान देना, एक अनुक्रम दिया गया है और क्या कहना चाह रहा है आपसे, जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। अनुक्रम मतलब एक सीरीज चल रही है दोस्तों, और उसी पैटर्न पर मुझे काम करना है जो कि मेरा पीछा होता हुआ आ रहा है। जैसे दो के बाद चार लिख रहा हूं, चार के बाद छह, छह के बाद आठ, तो आठ के बाद दस ही आएगा, क्योंकि टू टू उसका गैप है। देखो देखो बात करना, जैसे टू फोर सिक्स एट, तो एक कंपल्सरी है कि इसके बाद दोस्तों क्या आएगा? दस ही आएगा, क्योंकि इसमें भी प्लस टू, इसमें भी प्लस टू, इसमें भी प्लस टू, तो आगे भी तो प्लस टू करूंगा मेरे भाइयों। तो इसका मतलब यह हुआ, अनुक्रम का मतलब यह होता है मेरे भाइयों, एक सीरीज चलती है और उसी पैटर्न को जो पीछे से फॉलो होता हुआ आ रहा है उसको भी मैं आगे फॉलो करूंगा। बात क्लियर हुई? बात समझ में आ रही है? तो ध्यान देना दोस्तों, ए एफ, ए एफ डी एफ जी आई, आगे क्या आएगा भाई? ए एक पर होता है, सी तीन पर, डी चार पर, एफ छह पर, जी सात पर, आई नौ पर, आगे क्या आएगा? ध्यान देना, कभी अल्फाबेट्स का क्वेश्चन आए तो आपको क्या याद होनी चाहिए दोस्तों? उसकी नंबरिंग याद होनी चाहिए, और नंबरिंग के लिए मैंने आपके लिए कहानी सुनाई थी, एक स्टोरी सुनाई थी, आप उसका फुल आनंद लीजिएगा और आपकी बात बनती चली जाएगी। ध्यान देना दोस्तों, भाई मैं एक चीज कहता हूं, मैं एक से चार पर आया प्लस थ्री हो रहा है, फोर से सेवन पर आया प्लस थ्री हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा दोस्तों? प्लस थ्री होगा, प्लस थ्री होगा, तो इसका मतलब क्या आएगा? यहां दस आएगा भाई। चार से तीन से छह पर जा रहा हूं प्लस थ्री हो रहा है, छह से नौ पर जा रहा हूं प्लस थ्री हो रहा है, और इसमें नौ में दो तीन जोड़ दूंगा तो बारह होगा, तो क्या होगा? दस पर क्या होता है? जे, और बारह पर क्या होता है? एल, जे एल, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जे एल। दोस्तों ध्यान देना, अनुक्रम का मतलब होता है मेरे भाइयों एक सीरीज चलना और उसी क्रम में चलना,
तो भाई ए एक पर सी तीन पर, एक से डी चार पर आया प्लस थ्री, चार से सात पर आया प्लस थ्री, तो मैं आगे भी तो प्लस थ्री करूंगा। तो चार मेरे भाइयों, सात प्लस थ्री कितना होता है जे, और जे पर क्या होता है मेरे भाइयों दस। सी तीन से छह पर आया प्लस थ्री, छह से नौ पर आया प्लस थ्री, नौ में तीन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बारह। दस और बारह पर क्या होता है मेरा, दस पर होता है मेरे भाइयों जे, और एल पर क्या होता है, क्या याद करने की ट्रिक कराई थी, जेब। जेब नहीं मेरे भाइयों, क्या, जम्मू कश्मीर। दस ग्यारह लव करने के बाद चेहरे पर बारह, तो मैंने इस तरीके से आपको याद कराए थे कहानी के माध्यम से। बात क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों, बताइए, ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जे एल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। जे आई, सॉरी जी आई को एच जे लिखता है तो पी आर को क्या लिखेगा, अब बताइए। इसमें भी आपको क्या आना चाहिए मेरे भाइयों, अल्फाबेट्स की नंबरिंग याद आनी चाहिए, ध्यान देना भाई। जी आई को ये क्या लिख रहा है, एच जे लिख रहा है। जी सात पर होता है, आई नौ पर होता है, एच आठ पर होता है, जे दस पर होता है। भैया सात से आठ पर गया प्लस वन, नौ से दस पर गया प्लस वन, क्या हो रहा है, सभी में प्लस वन हो रहा है मेरे भाइयों। तो इसका मतलब जो ये वाला है पी आर, इसमें भी कितना करूंगा मेरे भाइयों नंबरिंग लिख के, प्लस वन। क्यों, क्योंकि भाई जी सात से एच आठ पर आया प्लस वन, आई नौ से जे दस पर आया प्लस वन। तो मेरे भाइयों पी आर, पी मेरे भाई सोलह पर होता है और आर अठारह पर होता है, प्लस वन कर देंगे सत्रह, सत्रह पर होता है क्यू, अठारह में एक जोड़ देंगे उन्नीस, और उन्नीस पर होता है एस, क्यू एस, क्यू एस। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्यू एस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्यू एस मेरे भाइयों। क्यों, क्योंकि सभी में प्लस प्लस वन कर रहा है ना मेरे भाइयों, जो यही कहता है अल्फाबेट्स। यदि आपकी सेटिस्फेक्शन वैल्यू हुई तो आपकी बात बनती हुई चली जाएगी, यदि बात सेटिस्फेक्शन वैल्यू नहीं हो रही है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो, या उसका कोई और लॉजिक लग रहा है दोस्तों। जी सात से एच आठ पर आया प्लस वन, आई नौ से जे दस पर आया प्लस वन, पी सोलह से प्लस वन किया मैंने सत्रह हो गया, और अठारह से प्लस वन किया उन्नीस हो गया, क्यू एस। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात क्लियर हुई, बात समझ में आई मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वही क्वेश्चन है कि ई को वी लिख रहा है तो डी को क्या लिखेगा मेरे भाइयों, याद करके बताओ क्या लिखेगा, बताइए इसका आंसर आप लोग दोस्तों। मैंने आपको अपोजिट्स याद कराए थे या नहीं कराए थे बताइए, मैंने आप लोगों के लिए याद कराए थे क्या अपोजिट्स। ई का अपोजिट क्या होता है मेरे भाइयों, ई का अपोजिट होता है वी, ये अपोजिट है मेरे भाइयों, अपोजिट। यदि आपने मेरी कहानी सुनी है अपोजिट्स वाली तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और डी का अपोजिट क्या होता है दोस्तों, डब्लू। तो डी का क्या आ जाएगा आंसर, डब्लू। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट मेरे भाइयों। ई का अपोजिट बी और डी का अपोजिट डब्लू, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाइयों। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनिए मेरे भाइयों, ये आपके पास चार ऑप्शन दे रखे हैं और क्या ज्ञात करना है, विषम। और विषम कहता है मेरे भाइयों अलग, डिफरेंट, जो कि चारों से अलग हो। मैं बात करूं कि जैसे ये घड़ी है, अब ये घड़ी चार है, सपोज दैट तीन घड़ी है और एक मैंने पेन ले लिया, तो आप इसमें से बताइए अलग क्या होगा, पेन होगा कि नहीं होगा, क्योंकि तीन घड़ी की प्रजाति है। मैं करूं ये सोनाटा है, ये मेरे भाइयों और कोई घड़ी है, ये टाइटन है, या मेरे भाइयों कोई दूसरी घड़ी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि घड़ी एक टाइप की और ये अलग हो गया, तो क्या बता दोगे आप, पेन बता दोगे। अब ध्यान देना मेरे भाइयों, इसमें से भी कुछ ना कुछ अलग होगा, ध्यान देना इसमें से भी कुछ ना कुछ अलग होगा, और वो क्या होगा, देखो नंबरिंग आनी चाहिए। आर अठारह पर होता है, टी बीस पर होता है, वी बाईस पर होता है, एच आठ पर होता है, जे दस पर होता है, एल बारह पर होता है, के ग्यारह पर होता है, एम तेरह पर होता है, पी सोलह पर होता है, बी बी कितने पर होता है मेरे भाइयों, बी मेरे पास दो पर होता है, बी मेरे पास दो पर होता है, डी मेरे पास चार पर होता है, एफ मेरे पास छह पर होता है। 18 से 20 पर आया प्लस टू, 20 से 22 पर आया प्लस टू मेरे भाइयों, 18 से 8 से 10 पर आया प्लस टू, 10 से 12 पर आया प्लस टू मेरे भाइयों, 11 से 13 पर आया प्लस टू, 13 से 16 पर आया प्लस थ्री मेरे भाइयों, 2 से 4 पर आया प्लस टू, 4 से 6 पर आया प्लस टू। आपको इसमें से खुद क्या अलग दिखाई दे रहा है, कौन सा मतलब डिफरेंट, विषम, जो अलग है सबसे। आप कहोगे कि यार 18 से 20 पर गया प्लस दो का डिफरेंस था,
प्लस दो बढ़ा, इसका मतलब इसमें क्या बढ़ रहा है? ऑप्शन ए में प्लस टू 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 बढ़ रहा है, एक जैसा है भैया, इसमें प्लस टू टू बढ़ रहा है लेकिन इसमें प्लस थ्री बढ़ रहा है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो कि क्या होगा इसका आंसर मेरे भाइयों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या आंसर हो गया? ऑप्शन सी इज करेक्ट। किस तरीका से मेरे भाइयों? क्यों? क्योंकि इसमें सभी में प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू ऐड हो रहा था, लेकिन मैंने ऑप्शन सी में देखा मेरे भाइयों, क्या ऐड हो रहा है? प्लस थ्री ऐड हो रहा है। फर्स्ट में तो प्लस टू ही हो रहा है लेकिन प्लस थ्री नहीं, कितना ऐड होना था? प्लस टू ऐड होना था। तो इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया मेरे भाइयों? गलत हो गया, सी वाला अलग हो गया, क्योंकि आपको पता चल गया ये डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है फंडामेंटल शब्द के अक्षरों से निम्नलिखित से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है मेरे भाइयों, बताइए। अब बात कर रहा है बनाया नहीं जा सकता, कह रहा है बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब क्वेश्चन थोड़ा अलग है मेरे भाइयों, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, बनाया जा सकता है, अब बात कर रहा है बनाया जा सकता है, बताइए मेरे भाइयों, ध्यान देना। डी ई, इसमें दो ई दिखाई दे रही है जबकि इसमें ई कितनी? एक, तो ऑप्शन ए तो ये गलत हो गया। एन ओ नहीं है, ऑप्शन बी गलत हो गया। टी ए एम, ये बनाया जा सकता है। एफ यू एन डी एस, नहीं, ये क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो कि बनाया जा सकता है। मैंने किसके आधार पर बता दिया मेरे भाइयों? इस आधार पर बता दिया क्योंकि मेरे पास फंडामेंटल्स दे रखा है। क्या दे रखा है? फंडामेंटल्स दे रखा है और कहता है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि इनमें से जो शब्द यूज हो रहा होगा, जो इनमें से यूज हो रहा होगा वही तो बनाया जाएगा। यही हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाइयों? तो ध्यान देना, यह क्या है मेरे भाइयों, इसमें सभी अल्फाबेट्स कोई यूज नहीं हो रहा था, इसमें भी यूज नहीं हो रहा था, लेकिन टी ए एम ई में सभी अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर हुआ मेरे भाइयों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडस को 03865 लिखा जाता है, टीई डबल एन आई एस को 243305 लिखा जाता है, तो स्टूडेंट को क्या लिखा जाएगा? मैंने आपको एक शब्द बोला था, एक पहले बहुत टाइम से बात बता रहा हूं, इस तरीका से क्वेश्चन रिपीटेशन कर देता है मेरे भाइयों। यदि आपसे वही अल्फाबेट्स घुमा फिर के वही अल्फाबेट्सों का पूछता है तो कहीं ना कहीं उसका क्वेश्चन से ही लिंक है। मैं इस बात को काफी टाइम से बोल रखा हूं, क्योंकि एस टी यू डी एन टी में ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसा कोई अल्फाबेट्स नहीं है कि जो कि इनके अंदर यूज ना हो रहा हो, इनके अंदर यूज ना हो रहा हो। आई एन डी यू एस टी डबल एन आई एस, ऐसा कोई शब्द नहीं है एस टी डी एन टी में कि जो कि इनके अंदर यूज ना हो रहा हो। तो मैंने क्या बोला था, यदि आपको इस तरीका से कोई क्वेश्चन दे तो आप समझ जाना कि इसका लिंक कहीं ना कहीं वहीं से है, क्वेश्चन से ही है। क्यों? क्योंकि उन्हीं अल्फाबेट्स की बात कर रहा है मेरे भाइयों। ध्यान देना, आप ध्यान देना, आई एन डी यू एस को ये 03865 लिखता है, टी डबल एन आई एस को 243305 लिखता है, तो आपसे किसकी पूछ रहा है मेरे भाइयों? एस टी यू डी ई एन टी, स्टूडेंट। एस को क्या लिख रहा है मेरे भाइयों? एस को 5 लिख रहा है, 5 लिख रहा है। टी को क्या लिख रहा है मेरे भाइयों? ये टी को 2 लिख रहा है। यू को क्या लिख रहा है मेरे भाइयों? यू को 6 लिख रहा है। डी को क्या लिख रहा है मेरे भाइयों? ये डी को लिख रहा है मेरे भाइयों 8 लिख रहा है। ये ई को क्या लिख रहा है मेरे भाइयों? ई को लिख रहा है ये 4। एन को मेरे भाइयों क्या लिख रहा है? ये 3 लिख रहा है। टी को क्या लिख रहा है मेरे भाइयों? 2 लिख रहा है। तो 5268432, 5268432, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट मेरे भाइयों। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था यदि ऐसे ही अल्फाबेट्सों का यूज कहीं ना कहीं आपके घुमा फिर के हो रहा है तो कहीं ना कहीं बात है कि यही अल्फाबेट्स आपके यूज हो रहे हैं मेरे भाइयों। तो ध्यान देना, एस टी यू डी एन टी में 2 भाई, एस के लिए 5 लिख रहा था ये, टी के लिए 2, यू के लिए 6, डी के लिए 8, ई के लिए 4, एन के लिए 3 और टी के लिए 2, तो क्या आंसर हो जाएगा? 5268342। ठीक है मेरे भाइयों, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देना। निम्नलिखित प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या शब्द चुनिए। फिर बात विषम की आई, ऑड की आई, अलग की आई, विसंगत की आई, असंगत की आई, डिफरेंट की आई।
क्योंकि उनका अलग होना ही तो मेरे भाइयों असंगत है, विषम है, अलग है। बात क्लियर हो रही है? अब बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि जो इन चारों से मेरे भाइयों अलग है, इन चारों में ही है कि जो कि मेरे भाइयों क्या है वो अलग है, वो डिफरेंट है। बताइए मेरे भाइयों, मैंने आपके लिए एक अपोजिट याद कराए थे मेरे भाइयों। क्या याद कराए थे? अपोजिट कराए थे या नहीं कराए थे बताइए? ईवीएम अपोजिट, जीटी अपोजिट, जेब कतरा, लेकिन काला पानी क्या होता है मेरे भाइयों? काला पानी, पीके। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट मेरे भाइयों, ऑप्शन डी इज करेक्ट मेरे भाइयों। बात क्लियर है? मैंने आपको अपोजिट्स याद कराए थे, आपको अल्फाबेट्स और अपोजिट्स याद आने चाहिए। अपोजिट्स तो आपकी बहुत जल्दी बात बन जाती है इन चीजों में। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देना। कहता है पेंट को इतना लिखता है, एक्सेल को इतना लिखता है, एक्सेप्ट को क्या लिखेगा? बताइए मेरे भाइयों, क्वेश्चन फिर उसी तरीका से दिया। ये देखो अल्फाबेट्स कहीं ना कहीं वही यूज हो रहा है या अलग हो रहा है? यदि वही यूज हो रहा है मतलब उन्हीं का प्रयोग हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बात है कि आपकी वही वाली बात बन रही है मेरे भाइयों, वही वाली बात बन रही है, लेकिन अल्फाबेट्स अलग अलग यूज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बात नहीं बन रही है मेरे भाइयों। बात क्लियर हो रही है? तो देखो ऐसा कोई भी अल्फाबेट्स है पी ए एन टी ई एक्स सी एल के जो एक्सेप्ट में नहीं हो रहा हो, एक्सेप्ट में नहीं हो, तो मेरे भाइयों कैसे लिखेंगे एक्सेप्ट को? ए डबल सी ई पी टी, एक्सेप्ट। ए को क्या लिख रहा है मेरे भाइयों? फोर लिख रहा है, ए को फोर लिख रहा है। सी को मेरे भाइयों क्या लिख रहा है? फाइव लिख रहा है मेरे भाइयों। सी को क्या लिख रहा है? फाइव लिख रहा है। ई को मेरे भाइयों क्या लिख रहा है? जीरो लिख रहा है। पी को मेरे भाइयों क्या लिख रहा है? सेवन लिख रहा है मेरे भाइयों। और टी को मेरे भाइयों क्या लिख रहा है? एट लिख रहा है। तो फोर फाइव फाइव जीरो सेवन एट, फोर फाइव फाइव जीरो सेवन एट, क्या है कहीं पर मेरे भाइयों बताइए? ए डबल सी ए को मेरे भाइयों फोर लिख रहा है, ठीक है। सी को मेरे भाइयों क्या लिख रहा है? ये फाइव फाइव लिख रहा है, ठीक है। ई को क्या लिख रहा है मेरे भाइयों? जीरो लिख रहा है, बात ठीक है मेरे भाइयों। पी को क्या लिख रहा है मेरे भाइयों? सेवन लिख रहा है मेरे भाई, ठीक है। और टी को क्या लिख रहा है मेरे भाइयों? एट लिख रहा है। तो फोर फाइव फाइव जीरो सेवन एट, इसको मेरे भाइयों जीरो कर लेना, नौ की जगह इसको जीरो कर लेना। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट मेरे भाइयों। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है नहीं हो रही मेरे भाइयों बताइए? बात क्लियर है? अच्छा अब बात करना, देखो ध्यान देना, ये मैं इसीलिए क्वेश्चन को इसीलिए बताया मैंने, नहीं मैं बताता ही नहीं। इसका देखो एक ये है और एक स्लैश क्या बन सकता है? फोर फाइव फाइव जीरो सेवन एट। मैं यही देखना चाह रहा था आपका कि आप कितना सही करते हो और कितना गलत करते हो मेरे भाइयों, यही चीज तो देख रहा था भाई। ई के दो कोड है, ई का एक नाइन है और एक का क्या है? एक जीरो है। तो ये नाइन वाला या जीरो वाला दे रखा होता, ई का सबसे पहले नौ है, यदि नौ नहीं दे रखा होता ई का तो फिर मैं जीरो पर आता। बात समझो ना, जो पहले नंबरिंग में आ रहा है तो पहले उसी का तो अल्फाबेट डालूंगा, उसी का तो नंबरिंग डालूंगा, यदि वो नहीं है तो फिर उसके बाद डालता। यदि यहां पे डबल ई होता, यदि यहां डबल ई होता तो पहले मैं नौ डालता फिर उसके बाद जीरो डाल देता उसकी नंबरिंग। बात क्लियर हुई? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी इज करेक्ट, फोर डबल फाइव नाइन सेवन एट। बात क्लियर हुई? समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है ए एन सी पी ई आर, आगे क्या आएगा? अनुक्रम को कौन पूरा करेगा मेरे भाई बताइए? ध्यान देना मेरे भाइयों, ए एन सी पी ई आर आगे क्या आएगा? ए एक एन चौदह सी तीन पी सोलह ई पांच आर अठारह, आगे क्या आएगा मेरे भाई? यही कह रहा है, नहीं कह रहा? देखो ध्यान देना, एक से तीन पर आया प्लस टू, तीन से पांच पर आया प्लस टू, पांच में दो जोड़ दूंगा कितना हो जाएगा मेरे भाइयों? सात। चौदह से सोलह पर आया प्लस टू, सोलह से अठारह पर आया प्लस टू, अठारह में दो जोड़ दूंगा मेरे भाइयों बीस, तो जी क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? जी टी, जी टी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अनुक्रम को पूरा करने का मतलब है कि जो सीरीज में आपकी बात चल रही है, जो आपकी बात सीरीज में चल रही है वो बात आपकी आगे होनी चाहिए, वही अनुक्रम पूरा करता है मेरे भाइयों। क्योंकि ए एक पर होता है एन चौदह पर, भैया एक से सी तीन पर आया प्लस टू, ई से पांच पर आया प्लस टू,
पांच से दो पर आया प्लस टू सात, चौदह से सोलह पर आया प्लस टू, सोलह से अठारह पर आया प्लस टू, अठारह में दो जोड़ दे बीस टी जी टी ऑप्शन सी इज करेक्ट। बात क्लियर हुई, बस समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक बार इसका आंसर बताइए, एक बार इसका आंसर आप मुझे बताइए मेरे भाइयों। बी बी ओ एम बी ए बाई को एम बाई एम बाई एम बाई लिखा जाता है, तो टी ए एम आई एल एन ए डी यू को क्या लिखा जाएगा, बताइए मेरे भाइयों, इसका आंसर आप मुझे बताइए, ध्यान देना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी। आपको एक चीज लग रहा होगा मेरे भाइयों, ये हर तीसरे अल्फाबेट्स को ला रहा है, तीसरा तीसरा, एक दो तीन चार पांच छह शब्द, एक दो तीन चार पांच छह ही इसमें हुए, हुए के नहीं हुए बताइए। तो ये तीसरा एम बाई दो, एक बार हो गया, इसके तीन तीन पेयर बना दिए, क्यों भाई इसके तीन पेयर बना दिए, क्योंकि अल्फाबेट्स कितने छह हैं, और यही मुझे छह लिखने हैं, इसका मतलब क्योंकि हर तीसरे बाद लेना है, मैंने तीसरा अल्फाबेट्स एम, इसके बाद तीसरा अल्फाबेट बाई, तो एम बाई एम बाई एम बाई, क्योंकि अल्फाबेट्स ही मेरे पास कितने छह, तो इस तरीका से इसका तीसरा अल्फाबेट एम और इसका तीसरा अल्फाबेट एक दो तीन एन, इसका तीसरा अल्फाबेट यू एम एन यू, कितने अल्फाबेट से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, नौ है, तो इसका मतलब ये तीन पेयर बन जाएंगे इसके तीन तीन के, एम एन यू एम एन यू एम एन यू, कौन सा है उस ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो एक है पेयर, एक पेयर तीसरा पेयर, बात क्लियर समझ में आ रही है मेरे भाइयों। इसमें क्या कर रहा था, बी ओ एम बी ए बाई में जो तीसरा अल्फावेट्स है, जो थर्ड अल्फावेट्स है, उसको क्या कर रहा है, ये नंबरिंग में लिख रहा है, उसके बाद जितने अल्फावेट्स हैं आप उसके इतने पेयर बना दीजिए, जैसे छह है तो उसके तीन पेयर बन जाएंगे, पेयर का मतलब होता है टू का मेरे भाइयों, टू एक साथ चलना, मतलब दो अंकों का या दो अल्फावेट्स का एक साथ चलना, दो अल्फाबेट्स का एक साथ चलना मेरे भाइयों। तो एम बाई एम बाई एम बाई क्या हो जाएगा, एम एन यू एम एन यू मेरे भाइयों। बात क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है मेरे भाइयों, इसका आंसर मुझे बताइए क्या होगा। यदि आपने अल्फाबेट्स पढ़े और आपने अपोजिट भी पढ़ा है तो आप आराम से बता सकते हो, ये आपके लिए मैं टाइम दे रहा हूं, एक सेकेंड दो सेकेंड का, ये अल्फाबेट से हो जाएगा या अपोजिट से हो जाएगा, दोस्तों याद होने से ये बिल्कुल मैंने याद करवा दिए, रटवा दिए अपोजिट्स एंड स्टोरी के साथ, फुल वीडियो देखो ना एक बार आप, प्रीवियस पेपर से पहले की जो मैंने अल्फाबेट्स केवल लिखवा रखा है, जहां कोडिंग नोकोडिंग लिखवा रखा है वहां मैंने दोनों स्टोरी सुना रखी है, क्लास नंबर फर्स्ट में मैंने क्या करा रखा है अल्फाबेट्स, क्लास नंबर टू में क्या याद करा रखा है अपोजिट्स, तो ध्यान देना, सिक्स अपोजिट 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 अपोजिट, तो एल ओ टी यू एस का अपोजिट क्या होता है मेरे भाइयों, लो एल जी एफ और एच, क्या कहीं है ओ एल जी एफ एच, ओ एल जी एफ एच क्या कहीं पर है मेरे भाइयों, बताइए मेरे भाइयों क्या कहीं पर है, ओ एल ओ टी यू एस मेरे भाइयों बताइए कहीं पर है, L L L का अपोजिट O का अपोजिट L, T का अपोजिट U, F का अपोजिट U का अपोजिट F, S का अपोजिट S, तो O L G F H, O L G F H, ऑप्शन B इज करेक्ट, ऑप्शन B इज करेक्ट। इस तरीका से आपको अल्फाबेट्स आने चाहिए, मैंने कैसे बता दिया आपको डायरेक्ट कि मेरे भाइयों ये हो जाएगा अपोजिट, क्योंकि मैंने आपको याद करा है, तो इस तरीका से मैं प्रीवियस पेपर अभी तो क्वेश्चन ले रहा हूं केवल, अब मैं टाइप वाइज भी क्वेश्चन लूंगा, रेगुलर क्लासेस चलेंगी, तो आराम से इसका प्रैक्टिस करिए, और पता है कि आपको एग्जाम्स बहुत ज्यादा आ चुके हैं दोस्तों, यूपीएसआई एंड दिल्ली पुलिस, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हाईलाइट वेकेंसी है, तन मन धन से लग जाओ, जो बिहार वाले बिहार एसआई भर दो, बिहार एसआई वेकेंसी आ चुकी है, राजस्थान की आ चुकी है मेरे भाइयों, ऐसा कोई स्टेट नहीं है कि जहां इस टाइम कोई वेकेंसी नहीं निकल रही हो, लॉकडाउन के बाद बम्पर भर्ती का ये आपके पास मौका आया है, इसका गंवाना नहीं, इसका यूटिलाइज करिए, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से आप मिलिए, यहां आपको कमेंट करिए, कोई भी क्वेश्चन है, कौन सा पहले चैप्टर लेके आना है, किस तरीका से बताना है, बिल्कुल आपके लिए हाजिर है हम लोग, ऑल द बेस्ट, थैंक्स क्लास।